एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन. सो स्टैंडर्ड 6, इट्स योर इंग्लिश ग्रामर लेक्चर टुडे, राइट? वी हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 4, दैट इज नाउंस, नंबर. लेट्स सी अबाउट इट. चैप्टर नंबर 4, नाउंस, नंबर. मोस्ट काउंटेबल नाउंस हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. Let us quickly review the rules for forming plural nouns. जो countable nouns होते हैं वो mostly singular या फिर plural form में होते हैं. So हम आज इसके बारे में एक quick review करते हैं. Plural nouns, how to form plural nouns. Plural nouns, singular noun में से plural noun कैसे बनाते हैं. Most nouns form their plurals by adding s. एज वी नो दैट हम लोग कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसके पीछे एस लगा के भी बना सकते हैं. एस, डबल एस, ई एस, सी एच, ई, राइट, एक्स, एस एच. तो इसके बारे में आज हम जानेंगे, राइट, कि कैसे क्या होता है. और कोई कोई नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका जो प्लूरल फॉर्म है सिंगुलर फॉर्म से वो पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाता है. तो फॉर एग्जाम्पल, ट्री, ट्रीज, गर्ल, गर्ल्स, फ्लावर, फ्लावर्स. नाउन्स एंडिंग विद द लेटर्स एस, डबल एस, सी एच, एस एच एंड एक्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ई एस. जो नॉर्मल होते हैं उसके पीछे हम एस लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे वर्ड्स जो एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स से एंड होते हैं, जिनका एंड इन लेटर्स से होता है, उनके पीछे हमें ई एस लगाना होता है, तब जाके सिंगुलर का प्लूरल फॉर्म बनता है. फॉर एग्जाम्पल, बस, बसेस, ग्लास, ग्लासेस, बेंच, बेंचेस, लैश, लैशेस, बॉक्स, बॉक्सेस. Some nouns ending with the letter O also form their plurals by adding ES. ऐसे nouns जिनका end O letter से होता है, right? जो इस word के last में last letter O होता है उसके पीछे भी हम ES लगा के plural form बना सकते हैं. For example, mango, mangoes, hero, heroes, cargo, कार्गोज. और कोई कोई वर्ड्स ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ पीछे एस ही लगता है. एक्सेप्शन टू दिस रूल इंक्लूड वर्ड्स सच एज पियानोज, रेडियोज, क्यूरियोस, राइट? तो नेक्स्ट, नाउन्स एंडिंग विद अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय ऑमिटिंग वाई एंड एडिंग आई ई एस. ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन्स जिनका एंड है वो एक लेटर यानी के सेकेंड लास्ट है वो कॉन्सोनेंट हो और लास्ट लेटर है वो वाई हो, तो उस वाई को हटा के हमें वहाँ पे आई ई एस लगा देना है, तो सिंगुलर फॉर्म का प्लूरल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, बेबी, बेबीज, लेडी, लेडीज, स्टोरी, स्टोरीज. Note, for nouns ending in vowel plus y, simply add an s to form their plurals. ऐसे nouns जिसके दोनों last के दोनों जो है letter वो दोनों vowel है, right? तो हमें y को निकाल के simply सिर्फ s ही लगा देना है. For example, keys, trays, boys. Next, nouns ending with the letters F and FE form their plurals by omitting these letters and adding VES. ऐसे nouns जिसका end F से होता है, consonant plus F, right? Consonant से होता है, तो हमें वहाँ पे F निकाल के उसकी जगह VES लगा देना है. For example, leaf, leaves, calf, cows, knife, knives. Exception to this rule are words such as hoofs, roofs, dwarfs, chiefs.
ऐसे कोई वर्ड्स एक्सेप्शन होते हैं राइट, जिसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ पीछे हमें एस लगा देना होता है. सम नाउन्स हैव अ डिफरेंट वर्ड इन देयर प्लूरल फॉर्म. ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिसका अगर हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन फॉर्म करें तो वो पूरा वर्ड डिफरेंट हो जाता है. फॉर एग्जांपल, मैन मैन, वुमन विमेन, चाइल्ड चिल्ड्रन, पर्सन पीपल. ओके, आई होप सब लोगों को इतना समझ में आ चुका हो सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के बारे में, राइट. नेक्स्ट, सम वर्ड्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम ही रहता है, कुछ उसमें डिफरेंट नहीं होता है, कुछ डिफरेंस नहीं होता है, एज इट इज ही रहता है वो. फॉर एग्जांपल, शिप, डियर, फिश. सम वर्ड्स हैव ओनली अ प्लूरल फॉर्म. कोई कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है, सिर्फ प्लूरल फॉर्म ही होता है. फॉर एग्जांपल, क्लोथ्स, न्यूज, सीरीज. Nouns borrowed from other languages do not follow any rules for forming plurals. Nouns है वो दूसरी languages में से लिए गए हैं, right? तो उसके उसका plural बनाने के लिए हमें कोई भी special rule को follow नहीं करना होता है. For example, radius, ready, datum, data, focus, foci. ओके गाइज, यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ कि ये जो हम रेडियस, डेटा, ये जो बोलते हैं राइट, तो उसके भी दूसरी लैंग्वेजेस में कुछ अलग ही नाम है. फॉर एग्जांपल, रेडियस तो रेडी, रेडी, डेटम डेटा, फोकस फोसी. कोई कोई वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, कोई कोई, फॉर एग्जांपल देखो, रेडियस है राइट, तो हम रेडी नहीं, रेडियस ही यूज़ करते हैं. फिर डेटम तो डेटा, तो हम डेटा वर्ड यूज़ करते हैं, डेटम यूज़ नहीं करते हैं. फोकस तो हम फोकस ही यूज़ करते हैं, फोसी नहीं करते हैं. ओके, नेक्स्ट, सम नाउन्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, सच नाउन्स आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन्स. कोई नाउन्स ऐसे होते हैं जो टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, और ऐसे नाउन्स को हम कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं, क्योंकि दो वर्ड को कंबाइन करके एक वर्ड बनाया गया है. फॉर एग्जांपल, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फॉरगेट मी नॉट, ल्यूटनेंट जनरल, लेटर हेड, बैंक नोट. नेक्स्ट, इफ द कंपाउंड नाउन इज हाइफनेटेड और हैज अ स्पेस बिटवीन वर्ड्स, देन द प्रिंसिपल वर्ड इन द कंपाउंड नाउन विल टेक द प्लूरल फॉर्म. ओके, ऐसे कंपाउंड नाउन राइट जिसके हाइफनेटेड मतलब बीच में जो हम जिसे डैश बोलते हैं राइट, आपने ऊपर देखा मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो बीच में हम उसको हाइफनेट करके दिया है राइट. तो ऐसे वर्ड्स राइट जिनके बीच में स्पेस हो, तो जो प्रिंसिपल वर्ड होता है यानी कि जो फर्स्ट वर्ड होता है कंपाउंड नाउन का, उसे हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल, मदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, फॉरगेट मी नॉट्स, ल्यूटनेंट जनरल्स. नेक्स्ट, इफ द कंपाउंड नाउन इज अ सिंगल वर्ड, द प्लूरल इज फॉर्म्ड यूजिंग द नॉर्मल रूल्स फॉर मेकिंग प्लूरल्स. कंपाउंड नाउन अगर सिंगल वर्ड ही हो जिसे हाइफनेटेड नहीं किया गया हो, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम जो नॉर्मल रूल्स को फॉलो करते हैं, हमें वैसे ही रूल्स को फॉलो करना होता है. फॉर एग्जांपल, लेटर हेड्स, बैंक नोट्स. ओके गाइस, तो यहाँ पे आप लोगों का एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट, Write the plural of the following words. The first one has been done for you. Okay. नीचे आप लोगों को बहुत सारे words दिए हैं जो singular form में हैं. आपको इनका plural form बनाना है. Okay.
actress, actresses, history, histories, lottery, lotteries, foot, feet, hoof, hoofs. तो ऐसे यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड दिए हैं जो है क्लिफ, ब्रश, टूथ, फोटो, शेल्फ, हीरो, शैम्पू, स्टाफ, बटरफ्लाई, काउच, पासरबाय, चिमनी, टमेटो, सिनेमा, सन इन लो. तो इन सारे वर्ड्स का आप लोगों को प्लूरल फॉर्म बनाना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज, री राइट द सेंटेंसेज मेकिंग ऑल द नाउन्स प्लूरल. चेंज अदर वर्ड्स वेयर नेसेसरी. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. ओके, आपको यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हैं, जो सिंगुलर नाउन यूज करके दिए हैं, आपको इन सेंटेंसेस को जो नाउन्स है उनको उनका प्लूरल फॉर्म बनाना है. अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप जहाँ नेसेसरी हो वहाँ पे दूसरे वर्ड्स चेंज कर सकते हो. आपको ऑलरेडी फर्स्ट है वो करके दिया है. द चाइल्ड सो अ शिप, अ डियर, एन ऑक्स एंड अ बफेलो. द आंसर इज द चिल्ड्रन सो शिप, डियर, ऑक्सन एंड बफेलोज. नेक्स्ट, द वुमन कैरीड अ टूल बॉक्स एंड अ टॉर्च. तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, द वुमेन कैरीड टूल बॉक्सेज एंड टॉर्चेज. तो बाकी के जितने सेंटेंसेस है वो आप लोगों को अपने आप सॉल्व करने हैं. द थीफ स्टॉल द की ऑफ द सेफ फ्रॉम द ड्रॉअर. वी पुट अ पॉपी, अ डेजी, अ पैंसी एंड अ लीली इन द बकेट. द चेयरमैन अनाउंस्ड अ बोनस फॉर द एंटायर स्टाफ. नेक्स्ट एक्सरसाइज, rewrite the following sentences in the singular form. The first one has been done for you. अब जो आपको sentences दिए हैं वो plural form में दिए हैं, जिसको आपको singular form में convert करना है. For example, first आपको करके ही दिया है, the women told stories about fairies to the children. The woman told a story about a fairy to the child. Next, the foreman instructed the workers about their duties. The foreman instructed the worker about his duty. Okay, तो बाकी के जितने sentences है that you have to solve by yourself only. The valleys range with the echoes of horses' hooves. These actors have worked in several plural television series. The police apprehended many lorries carrying smuggled goods. Some well-known series of books for young adults are written by multiple authors. The children ate boiled potatoes, raw tomatoes and slices of bread. And the last one, the elves and the dwarves fought many battles. Okay guys, here your chapter number 4 of English grammar is completed. इसकी exercise आप लोगों को textbook में कर लेनी है, right? और आप लोगों को personally teachers को homework करके दिखा देना है. और ये वीडियो देख के कमेंट करना मत भूलना. ओके, चिल देन, बाय बाय.